वेलकम टू द चैनल डी जी एजुटेक। अज की इस वीडियो दे विच आपां फ्रेंड्स डिस्कस करांगे टाइप्स ऑफ डिवेलपमेंट। लाइक आपां जिहड़ियां पिछलियां वीडियो सी उहदे विच आपां सारी दी सारी इस टॉपिक दे नाल ही गल रिलेटेड कीती आ, ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। फिर आपां उहदियां स्टेजिस कीतियां सीगियां, फिर आपां डिवेलपमेंट की गल की। बट अज जिहड़ी आपां गल करांगे बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडियो आ, इहनूं स्टार्टिंग तो लैके एंड तक जरूर देखना, तां जो तुहानूं टाइप्स ऑफ डिवेलपमेंट आ इह प्रॉपर समझ आ जाण। जे असीं सेंटर 'च छड्डांगे तां फिर साडा कुछ ना कुछ की हो जाऊगा, सानूं मिसअंडरसटैंडिंग होगी। मैं स्टार्ट करदी आं सब तों पहलां टाइप्स ऑफ द डिवेलपमेंट। ओवरऑल जे आपां डिवेलपमेंट की गल करिए तां साडे कोल डिवेलपमेंट दीआं 4 टाइप्स आउंदीआं। डिवेलपमेंट दे साडे कोल 4 टाइप्स होंदीआं। जिहड़ी साडे कोल डिवेलपमेंट दी सब तों पहली टाइप, दैट इज चेंज इन दी साइज़। जिहड़ी साडे कोल डिवेलपमेंट दी सैकेंड टाइप आऊगी उह आऊगी चेंज इन प्रपोर्शन। थर्ड जिहड़ी टाइप आउंदी है, दैट इज चेंज इन अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड फीचर्स। एंड जिहड़ी फोर्थ टाइप आउंदी है, दैट इज द एक्विजिशन ऑफ द न्यू फीचर्स। हुण आपां वन बाय वन इहनां नूं डिस्क्राइब करना स्टार्ट करदे आं। सब तों पहला जिहड़ी डिवेलपमेंट दी टाइप आ उह हैगी चेंज इन द साइज़। चेंज इन द साइज़ की आ, लाइक आपां चाइल्ड पैडागोजी की गल करदे आं, जिहड़ा चाइल्ड हुंदा टाइम टू टाइम उहदी जिहड़ी बॉडी आ उहदे च चेंजेस आउंदियां रहिंदियां, ठीक आ। उहदी हाइट इनक्रीज़ हुंदी आ, उहदा वेट इनक्रीज़ हुंदा वा, उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा उहदा साइज़ उह की हो जांदा, इनक्रीज़ हो जांदा। 5 मंथ्स दे बच्चे दा साइज़ कुछ सैपरेट होगा, 10 मंथ्स दे बच्चे दा साइज़ आ जिहड़ा उह होर सैपरेट हो जाऊगा, 15 मंथ्स दे, लाइक एज इट इज़, जिहड़ा मतलब साडे साइज़ दे विच चेंज आउंदी रहिंदी आ। जे आपां नूं पंजाबी च गल करिए तां जिहड़ा साडी बॉडी दा आकार आ उहदे च परिवर्तन हुंदा रहिंदा, मतलब सेम आ जिहड़ा साडी बॉडी दी उह साइज़ नहीं रहिंदी। विद द पैसेज ऑफ द टाइम जां टाइम चलण दे नाल नाल जिहड़ी साडी बॉडी दा साइज़ उह वी की हुंदा रहिंदा वा, चेंज। जे साडी बॉडी दा साइज़ चेंज हुंदा रहूगा तां उहदे नाल जिहड़ी साडी बॉडी दी डिवेलपमेंट उह वी की हुंदी जाऊगी, चेंज हुंदी जाऊगी। सो जिहड़ी साडे कोल सैकेंड टाइप डिवेलपमेंट दी आउंदी आ उह आउंदी आ चेंज इन द प्रपोर्शन। लाइक तुसीं ब्लैक बोर्ड उपर लिखा देखदे हो, चेंज इन द प्रपोर्शन असीं पंजाबी च की बोलांगे, दैट इज अनुपात विच परिवर्तन। मतलब अनुपात की हुंदा वा, प्रपोर्शन, असीं प्रपोर्शन वर्ड नूं पंजाबी च की बोलदे आ, अनुपात। उह कहिंदा अनुपात विच परिवर्तन, लाइक उह कहिंदा जिहड़ी साडी बॉडी दे सारे ऑर्गनस आ इह किसी पर्टिकुलर टाइम ते इक्को स्पीड दे नाल जिहड़े कि ग्रो नहीं हुंदे, तां साडी बॉडी दा हरेक ऑर्गन ग्रो करन दे लई जिहड़ी उहदी स्पीड आ कुछ क सैपरेट हुंदी आ, ठीक आ। मतलब साडी बॉडी दे अंग इक्को टाइम ते विकसित नहीं हुंदे। मेरे कहिण दा मतलब इह आ, कदे साडा किहड़ा ऑर्गन विकसित हुंदा ते कदे साडा किहड़ा ऑर्गन मतलब विकसित हो जांदा। टाइम टू टाइम सैपरेट सैपरेट ऑर्गनस की आ विकसित हुंदे आ, ते हुंदे वी की उहनां दा हरेक दा जिहड़ा अनुपात आ उह सैपरेट हुंदा, मतलब हरेक ऑर्गन दा जिहड़ा चेंज होण दा वे हुंदा वा जां उहदी प्रपोर्शन हुंदी आ। प्रपोर्शन मतलब रेशो, जिहड़ी उहदी रेशो हुंदी आ थोड़ी की हुंदी आ चेंज हुंदी आ। लाइक जे आपां गल करिए इनफेंसी स्टेज दी, इनफेंसी स्टेज आऊगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड आ गई, फिर लेटर चाइल्डहुड दी स्टेज आ गई, फिर साडे कोल लास्ट च एडोलेसेंट स्टेज आउंदी आ। तां हरेक स्टेज दे विच जिहड़ा साडी बॉडी दा साइज़ आ उहदी जिहड़ी प्रपोर्शन होगी उह की होगी, सैपरेट होगी। उह कदे वी सेम प्रपोर्शन विच साडी बॉडी आ जिहड़ी उह डिवेलप नहीं हुंदी, जां सेम प्रपोर्शन साडी बॉडी ग्रो नहीं हुंदी। सो लास्ट च थर्ड आपां गल करदे आ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड फीचर्स। लाइक साडी बॉडी जदों ग्रो करदी आ, साडी बॉडी जदों डिवेलप करदी आ, तां साडी बॉडी दे विच बहुत सारे जिहड़े ओल्ड फीचर्स आ उह मतलब उन्हां चेंज आउंदी आ, उहदी रिप्लेस दे विच कि साडी बॉडी न्यू फीचर्स नूं लैंदी आ। ओल्ड फीचर्स जाणगे तां न्यू फीचर साडी बॉडी च नवें की आ आउणगे। उही गल सानूं जिहड़ी डिवेलपमेंट दी टाइप थर्ड आ उहदे च कह रहे आ कि चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड फीचर्स। लाइक ओल्ड फीचर्स दी जिहड़ी अपीयरेंस उह की हो जांदी आ, चेंज हो जांदी आ, ते उहदी जगह जिहड़े साडे न्यू फीचर्स आ उह उहनां नूं की आ अपनी रिप्लेस जगह लैणा स्टार्ट कर दिंदे आ। इहदी मैं जे एग्जाम्पल लवां, लाइक कोई बच्चा वा छोटा जिहा, उहदे जिहड़े टीथ्स उह निकलने स्टार्ट हो जांदा किसी पर्टिकुलर एज ते जाके, ते उहदी जगह जिहड़े नवें टीथ्स आ आउणे स्टार्ट हो जांदे आ। तां उत्थे असीं की गल करांगे वी जिहड़े उहदे ओल्ड फीचर्स सीगे उह की होगे, चेंज होणे स्टार्ट हो गए, मतलब उहदे ओल्ड फीचर्स दे विच
चेंज आनी स्टार्ट होगी। सो जिहड़ा नैक्सट साडा फोर्थ पॉइंट आउंदा वा, फोर्थ पॉइंट चो की गल करदा, कहिंदा एक्विजिशन ऑफ द न्यू फीचर्स, लाइक साडे ओल्ड फीचर्स आ जिहड़े की आ चेंज हुंदे आ, उहनां चेंज आनी स्टार्ट होगी। जिहड़े साडे न्यू फीचर्स आ उहनां नूं असीं अक्वायर करदे आ। मैं बच्चे दे टीथ दी गल कीती सी वी जिहड़े टीथ सो निकल जाणगे उहदी जगह नवें टीथ उहनूं रिप्लेस कर देणगे, नवें टीथ उहदी जगह ते आ जाणगे। सो जिहड़ा फोर्थ पॉइंट उहदे चों की कहना चाहुंदा, उह कहिंदा एक्विजिशन ऑफ द न्यू फीचर्स, मतलब असीं न्यू फीचर्स नूं अक्वायर करदे आ, मतलब साडे गुण साडी बॉडी दे विच ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਫੀਚਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਥਸ ਦੀ ਕਲੀਨਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਵਰਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀਗੀ, ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਵਾਕਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਫੀਚਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਨੂੰ ਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਆ 2 ਆ 3 ਆ 4 ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਆਵਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 4। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ, ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਊਗੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੀ ਸਾਈਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਊਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਊਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਓਲਡ ਫੀਚਰਸ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਟਾਈਪ ਆਊਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਨਿਊ ਫੀਚਰਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਟੋਟਲ 4 ਟਾਈਪਸ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟਾਈਪ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ 4 ਟਾਈਪਸ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਓਲਡ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਐਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਨਿਊ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਵਬ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟਾਈਪਸ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਟੋਪਿਕ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੱਧ, ਮਤਲਬ ਸਪਾਇਰਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਬਰਥ ਟੂ ਡੈਥ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।